हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को बतख पालन से जुड़ी कुछ खास बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही उन बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं उसके भी बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप भी बतख पालन एक्सपर्ट बनने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके आप लोगों का प्यार हमें बरसाते रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जितना भी डाटा यूज़ किया हो वो सब टेंटेटिव है, यानी एवरेज के हिसाब से उन डाटा को काउंट किया गया है। तो वो डाटा जगह और टाइम के हिसाब से ओपनने से भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में मैंने उन बतख से जुड़ी उन बीमारियों का जिक्र किया हो जो हमारे इंडिया और इसके आसपास के देश यानी साउथ ईस्ट एशिया के देशों में अक्सर पाया जाता है। तो उस हिसाब से मैंने 8 ऐसे अव्वल नंबर का बीमारियों को यहाँ पे इंक्लूड किया हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, बतख पालन से जुड़ी सबसे बड़ा बीमारी में से एक है डक प्लेग। दोस्तों, ये बीमारी एक संक्रामक रोग है और ये बच्चे और बड़े बतख यानी दोनों को हो सकता है। अगर हम डक प्लेग बीमारी के सिम्टम के बारे में बात करें तो बतख जो है वो अलस्य हो जाएगा, कमज़ोर हो जाता है, हरे पीले रंग का दस्त हमें देखने को मिलता है, साथ ही पंखों का जो जलरदार देखने को मिलता है और पानी में तैर नहीं सकता। बतख, हाँ जी, पानी में बिल्कुल भी तैर नहीं सकता। और इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट तो 5% से लेकर 95% तक है, यानी हमारा पूरा झुंड को साफ कर देता है। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस बीमारी का कुछ भी मेडिसिन अब तक नहीं है, तो हमें सिर्फ वैक्सीन देके ही हमारे बतख को बचा सकते हैं। तो वैक्सीन का नाम मैंने वीडियो पर डाल दिया है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, बतख का दूसरा सबसे बड़ा बीमार होता है डार्क कॉलरा। ये भी एक संक्रामक बीमार है, यानी एक बतख से दूसरे का हो जाता है। तो डार्क कॉलरा जो है वो पेस्टुरेला मोटोकोडा बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका जो खास सिम्टम है वो है कि हरा पीला और पतला रंग का आपको मल दिखने को मिलेगा। दोस्तों, डार्क कॉलरा का औसतन मोर्टेलिटी रेट जो है वो 20% से लेकर 50% तक होता है। और ये जब चूजे 4 हफ्ते का हो जाता है ना, तब ये जो बैक्टीरिया है ये अटैक कर देता है, यानी 4 हफ्ते से ही इसका रिस्क आ जाता है। तो दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका भी अब तक कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ हम इसका वैक्सीन देके ही बतख को बचा सकते हैं और साथ में सल्फा क्विनोसलाइन पाउडर पानी में मिला के बतख को पिलाया जाता है। दोस्तों, डार्क प्लेग और डार्क कॉलरा का वैक्सीन कैसे बतख को दिया जाते हो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी। उम्मीद करता हूँ आप लोग उस वीडियो के लिंक के द्वारा उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और अपने बतख को उस तरह से वैक्सीन दीजिए। दोस्तों, बतख में पाए जाने वाले तीसरे इम्पोर्टेंट जो बीमारी है उसका नाम है बोटुलिज्म यानी फूड पॉइजनिंग। ये अक्सर बतख को होता ही रहता है, क्योंकि बतख जो है वो थोड़ा गंदगी पसंद करता है, शायद गंदगी फैलाता है और हम भी कभी कभी गंदा खाना दे देते हैं खाने के लिए। तो उस गंदे हुए खाने से, उस गंदे पानी से बतख का ये बीमारी हो जाता है। तो दोस्तों, बोटुलिज्म बीमारी के लिए इसके ट्रीटमेंट में एप्सम साल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो नमक है ये बतख को पानी में मिलाकर पिलाया जाता है। तो बतख में पाए जाने वाली जो चौथा इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है डक वायरस हेपेटाइटिस। ये भी एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे बतख का होता ही रहता है। जब बतख की चूजे जो है 2 से 4 हफ्ते की उम्र हो जाती है तब इस बीमारी का लक्षण देखने को मिलता है। इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात करें तो इंटरनल ब्लीडिंग होता है और दस्त हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये बीमारी देखा जाता है चूजों पर, लेकिन इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए हमें बतख को जो अंडे देने से पहले ही वैक्सीन देना पड़ता है, यानी हम अगर माँ बतख को वैक्सीन देंगे तभी ही उसका जो चूजा निकलेगा वो स्वस्थ होगा।
तो मेरे लिस्ट में जो पांचवा बीमार है वो है रिमेरेला एनाटिपेस्टिफर इन्फेक्शन। ये एक जीवाणु रोग होता है। और दोस्तों अगर सिम्टम की बात करें तो वजन कम होना, दस्त, सिर या गर्दन घुमाना और अचानक से मृत्यु भी हो जाता है। तो वजन कम जो होता है वो इसी के कारण होता है। ये हमारे फार्मिंग के लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ये जो मैंने पाउडर का नाम लिख दिया, ये पाउडर आपका 0.04% से लेके 0.08% इस तरह से पीने के पानी में मिलाकर पिला सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाली कोलीबेसिलोसिस बतख में ये भी एक बहुत बड़ा बीमार है। इसको ई कोली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अब इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो बतख को भोजन पर क्लोरोटेटरोसेलिन और सल्फा डी मेथोक्साइन ये दो पाउडर मिलाकर खिलाया जाता है। और इसका पाउडर जितना प्रतिशत मिलाना पड़ता है वो मैंने वीडियो पे डाल दिया है, अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों बतख में पाए जाने वाली जो सातवीं इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है एफ्लोटॉक्सिकोसिस। ये एक फंगस बीमारी है। दोस्तों अक्सर हम ये कहते हैं कि हमारे जो बतख है वो मेटिंग नहीं करता, तो यही कारण है कि इसका सिम्टम पे देखिए प्रजनन क्षमता कम, सुस्ती, लो ग्रोथ, ये सब है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम खाने में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का जो मात्रा है वो थोड़ा बढ़ा दे, यानी संतुलित आहार देने से ये बीमार ठीक हो जाता है। दोस्तों मेरे लिस्ट में आखिरी और आठवां जो बीमारी बतख में अक्सर पाया जाती है वो है सलमोनेला। दोस्तों ये बीमारी जो है ना, ये बतख से होकर इंसान के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। ख़ास तौर पर हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ये अगर बतख के संपर्क में उस टाइम आ गए जब इसका जो वायरस है वो अगर बतख को अटैक कर चुका है, तो ये बतख से इंसान के शरीर में भी जा सकता है। तो दोस्तों इस बीमारी का सिम्टम है तनाव, आंखों का बंद होना, लंगड़ापन, पंखों का झलरदार होना, ये सब हमें देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने तो यहाँ पर 8 बतख के बीमारी के बारे में बता दी, लेकिन बतख के बीमारी में दिक्कत ये होता है कि लगभग ज़्यादातर बीमारियों का जो लक्षण यानी सिम्टम होता है वो एक ही जैसी होती है, जैसे कि लंगड़ापन, कमज़ोर या गर्दन या सिर जो है वो टेढ़ी हो जाती है, तैर नहीं सकती। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप इनमें से किसी लक्षण आपको बतख में दिखे तो तुरंत उस बतख को लेकर आप सरकारी अस्पताल जो होता है एनिमल हस्बेंड्री, तो वहाँ पे जाइए। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी खर्च नहीं होता, वो लोग पोस्टमार्टम भी करता है। तो उस पोस्टमार्टम में वो लोग एक रिपोर्ट देता है कि बतख का कौन सा बीमारी लग चुका है, उस हिसाब से वो लोग मेडिसिन प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप आपके बतख को रेगुलर ऑब्जर्व करते रहिए कि ताकि आपके बतख को किसी भी बीमारी ना छू सके, और आप बतख को साफ सुथरा माहौल में रखें, समय समय पर वैक्सीन दीजिए, एंटीबायोटिक्स का जो पाउडर है वो दीजिए, तभी जाकर हम बतख में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, और जो आज पहली बार आए हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों का प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।